सत्संग के यह वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन राग मारू महला पंजवा। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पैखाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। गुरु साहब के पास अहले इस्लाम के फकीर आकर पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, उससे मिलने का रास्ता क्या है। गुरु साहब फरमाते हैं कि खुदा अगम है, वहां मन इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। हर एक मजहब के फकीर एक जैसे हैं। फकीरों को सुलह कुल होना चाहिए। मुसाफिरों की तरह यहां चरण धूली होकर रहो, क्या पता हम कब चल पड़े। यह वजूद यानी शरीर मस्जिद है, वहां कौम का लिहाज नहीं, मजहब का लिहाज नहीं, वहां तो इश्क का लिहाज है। जब ये दुनिया के ख्याल छोड़कर अंदर तलाश करेगा तो वो खुदा मिलेगा। सच निवाज यकीन मुसला मन सा मार निवारो आसा। एक होती है शरीयत की मुसलमानी, एक मार्फत की। एक होती है शरीयत की सिद्धि, एक होती है मार्फत की सिद्धि। जिसे कलमा कहते हैं, फकीर अपनी रूह को उसके साथ जोड़ते हैं। ये सच की नमाज यकीन की चटाई पर बैठकर पढ़ने से आसा मनसा मर जाती है। सच बोलने को सच नहीं कहते, बोलना हवा हो गया, दुनिया फना है। सच उस कलमे को कहते हैं, वो सच की नमाज जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, वो तुम्हारे अंदर है। उसे पढ़ने से आशा और मनसा मर जाती है। देहे मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा। कहते हैं जो बाहर की नमाज है वो तो जाकर मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसमें मौलाना भी होता है। असल में ये जो देह है फकीरों की मस्जिद है, इसमें मन मौलाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त सजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदास्त। जिस मस्जिद में रब मिलता है वो ये मस्जिद नहीं, जिस मस्जिद में रब मिलता है वो आपके अंदर है। इसी तरह जो सच्चा ठाकुर द्वारा है वो इन बाहर की ईंटों पत्थरों के ठाकुर द्वारे में नहीं, वो आपके अंदर है। इस मस्जिद में मुल्ला कौन है? मन। अब मौलाना मस्जिद को साफ रखता है, यहां मन इस मस्जिद को साफ रखता है। जब तक कामिल मुर्शिद ना मिले वो कलमा नहीं मिलता। जिसके पास कलमा नहीं, कलाम नहीं, उसको मुसलमान कौन कहेगा? और जिसके पास नाद नहीं उसे हिंदू कौन कहेगा? वो पाक कलमा हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। फकीर दो किस्म के हैं, एक दर्जाते सिफली के और दूसरे दर्जाते उलवी के। दर्जाते सिफली के फकीर आंखों से नीचे नीचे हैं और दर्जाते उलवी के आंखों से ऊपर। लताइफे सित्ता कह दो या छह चक्र कह दो, जो इनमें रहे वे दर्जाते सिफली के फकीर हैं। सरासरियत ले कमावो तरीकत तरक खोजे टोलावो।
सूफी फकीरों की रहत के चार दर्जे हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। कहते हैं, फकीरों की शरीयत क्या है? उस कलामे इलाही की कमाई करना, आसा मनसा को मारना तरीकत है। मारफत मन मारो अब्दाला, मिलो हकीकत जित फिर न मरा। फकीर की मारफत क्या है? नफ्स यानी मन को काबू करना। फकीर की हकीकत क्या है? रब का विसाल यानी मिलाप। जब विसाल आ गया, हकीकत को पहचान लिया। शरीयत क्या है? दिन रात कलामे इलाही की कमाई करना। तरीकत क्या है? तमाम दुनियावी पदार्थों से मन को अलग करना। कुरान कतेब दिल माहे कमाही, दस यो रात रखो बदराही। कहते हैं, फकीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? मन की दो पन्नी किताब। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, दिल बदस्त आवर केह हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बुंगाहे खलीले आजर अस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबर अस्त। जब भी खुदा मिलता है, दिल में ही मिलता है। कहते हैं, सारी किताबें सारे वेद शास्त्र छोड़कर दिल में तलाश करो। पांचों हवासे खमसा जाहिरी यानी पांच स्थूल इंद्रियां बाहर की, और पांचों हवासे खमसा बातिनी यानी पांच सूक्ष्म इंद्रियां अंदर की। मन की दस कौन सी हैं? यही दस इंद्रियां। अब ये तालीम जो फकीरों की है, सभी की सांझी है। पंच मरद सिदक ले बाधो, खैर सबूरी कबूल परा। दस औरतों यानी दस इंद्रियों को बदराही से रोको। आगे जो पांच डाकू हैं, जब तक उस कलामे इलाही की लज्जत ना लें, काबू में नहीं आते। मन और बुद्धि की ताकत नहीं कि इन्हें रोक ले। फकीर कहते हैं, इन दसों इंद्रियों को बाहर निकाल दो और इन पांचों डाकुओं को बाहर निकाल दो। मक्का मेहर रोजा पैखाका, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा। कहते हैं, फकीर का मक्का कौन सा है? अंदर मालिक से मिलना। फकीर का रोजा आजीजी और फिरोतिनी यानी नम्रता और सहनशीलता है। फकीर को हर वक्त नम्र और सहनशील होना चाहिए। फकीर की बहिश्त कौन सी है? जिस बहिश्त को दुनिया मांगती है, वो बहिश्त नहीं, कामिल पीर का मिलना बहिश्त है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, आशिके यारम मरा बा कुफरो बा इमा चिहकार। एक फकीर का कहना था कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त को जाएगा। उसने अपने चेलों से कहा कि मुझे पालकी में बिठाकर सैर के लिए ले चलो, रास्ते में जो जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। आगे कोई एक कामिल फकीर का चेला था, उसने देखा और पता लगाया कि ये शोर कैसा हो रहा है। किसी ने कहा कि एक फकीर ऐसा कहता है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त को जाएगा, उसी को पालकी में बिठाकर ला रहे हैं। उसने झट अपनी चादर उतारी और अपना मुंह ढांप कर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उस फकीर ने पूछा कि भाई, ये कौन है जो मेरी तरफ पीठ करके बैठा है? लोग तो मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये उल्टा मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। पालकी से उतरकर उसके पास जाकर पूछने लगा तो उसने जवाब दिया कि मैंने डर के मारे ये काम किया है कि कहीं तुम्हारे दर्शन ना हो जाएं,
और मुझे बहिष्त ना ले जाएं, इसलिए मैं मुंह ढांप कर बैठा हुआ हूं। मुझे कामिल मुर्शिद ने मकामे हक का रास्ता दिया हुआ है। सो फकीर की बहिष्त क्या है? पूरे गुरु या कामिल मुर्शिद का मिलना। अमीर खुसरो काबुल के बादशाह का मुलाजिम था। जब उसने नौकरी छोड़ी तो अपना सारा माल असबाब ऊंटों पर लादकर दिल्ली की ओर चल पड़ा, जहां की उसका मुर्शिद रहता था। एक आदमी निजामुद्दीन औलिया के पास गया, जाकर कुछ मदद मांगी कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझ पर कृपा करो। आगे उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ आएगा तुम ले जाना। उस दिन इत्तेफाक से कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया, तीसरे दिन भी कुछ ना आया। उन्होंने अपने पैरों का जोड़ा उतार कर दे दिया और कहा कि ले भाई इसे ले जा, रास्ते में बेचकर रोटी खा लेना। जिस वक्त वो आदमी जोड़ा लेकर जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो अपना माल असबाब ऊंटों पर लादकर आ रहा था। खुसरो ने कहा कि इधर से पीर की खुशबू आ रही है। ज्यों ज्यों आदमी नजदीक आता गया खुशबू बढ़ती गई। जब पास से निकल गया तो खुशबू पीछे से आनी शुरू हो गई। पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछा कि भाई तू कहां से आया है? कहने लगा कि जी क्या बताऊं, मुझे लड़की की शादी करनी थी। दुनिया कहती है कि फकीर रेख में मेख मार देते हैं। गया था दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के पास कि मेरी कुछ मदद करेंगे। जी 3 दिन रहा मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अगर रब मेहर ना करे तो फकीर भी कुछ नहीं देते। 3रे दिन हार कर कहने लगे कि भाई और तो कुछ है नहीं हमारे पास, ये हमारी जूती है, ये ले जा, इसे बेचकर रास्ते में रोटी का गुजारा कर लेना। खुसरो अपनी पीर की शान में ये बातें ना सुन सका। कहने लगा कि भाई तुझे ये जूती बेचनी है? तो उसने कहा कि जी मुझे इसका क्या करना है, अगर बिक जाए तो और क्या चाहिए। खुसरो ने अपने और अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने के और कपड़ों के 1-2 ऊंट लदे हुए रख लिए और बाकी सारे उस आदमी के हवाले कर दिए। हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई मैं इसकी कीमत तो कुछ नहीं दे सकता, मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास यही कुछ है। खुसरो जूती लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल में इतनी खुशी थी कि जिस तरह किसी को त्रिलोकी का राज मिल गया हो। जब पीर के दरबार में पहुंचा, पीर की कदम बोशी की यानी पैर चूमे, दीदार करके चरणों में बैठ गया और जोड़ा निकालकर पेश कर दिया। उन्होंने पूछा कि खुसरो कितने में लाया है? जवाब दिया कि हुजूर जो कुछ मेरे पास था दे दिया। कहने लगे कि बड़ा सस्ता ले आया है। जब फकीर को कामिल मुर्शिद मिल जाए यही उसकी बहिश्त है। रूह को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर ले जाना ये फकीर की कमाई है। ज्यों ज्यों आदमी भजन करता है इसके अंदर बंदगी की खुशबू पैदा हो जाती है। हूर नूर मुश्क खुदाया बंदगी अल्लाह आला हुजरा। फकीर चिल्ला काटते हैं, कहते हैं यहां आंखों के ऊपर अंदर बैठकर चिल्ला करो। इसे मकामे अल्लाह कहो या सहंस दल कंवल कहो, यहां आला हुजरा है। जब वहां जाओगे वहां बढ़िया खुशबू आ रही है। वहां काम क्रोध नहीं क्योंकि वहां वजूद नहीं। सच कमावे सोई काजी जो दिल सोधे सोई हाजी। जो कलमे या सच के साथ प्यार करे उसकी कमाई करे वही काजी है। जो 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाकर मालिक से विसाल करे वो हाजी है। अगर दिल पाक या पवित्र नहीं तो वो हाजी नहीं कहला सकता। हजरत जुनैद बगदादी हज को जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ था। ऊपर से गाड़ी निकल जाने के कारण उसके 4 पैर कट गए थे, खून निकल रहा था। उसे उठाया और कहने लगे कि है तो पलीत जानवर, अच्छा कपड़े धो लूंगा। आगे ले जाकर
कुएं के पार रख दिया। कुआं उजाड़ में था, पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। पेड़ों के पत्ते इकट्ठे किए, दोना बनाया, पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी की सतह तक नहीं पहुंचा तो कमीज उतारकर उसके साथ गांठ बांधी। फिर भी पानी अभी कुछ दूर रह गया। इधर उधर देखा, देखकर अपनी तहमत उतारकर उसके साथ बांधी और अपनी बांह को लटकाकर पानी की सतह तक पहुंचाया। दो चार दोने निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी डाला, फिर कपड़े पहनकर कुत्ते को उठाया। दूर जाकर रास्ते में एक मस्जिद आई, वहां जाकर कुत्ते को रख दिया और मुल्ला से कहने लगे कि भाई, इस गरीब को रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिया करना, मैं हज से वापस आकर इसे ले जाऊंगा। जब रात को सोया तो अंदर आकाशवाणी हुई कि तेरा ये हज कबूल है, तूने मेरी एक रूह पर रहम किया है, अब चाहे हज पर जा या ना जा, तेरी मर्जी। सो मुल्ला मलून निवारे, सो दरवेश जिस सिफत धरा। आगे कह रहे हैं कि ये शरीर एक मस्जिद है, इसमें मन मुल्ला है। अगर मुल्ला बुरे काम करेगा तो क्या इसे धक्के नहीं पड़ेंगे? जो रब की इबादत करे वो दरवेश है। सभे वक्त सभे कर वेला, खालक याद दिले में मौला। अब पूछते हैं कि इबादत का वक्त कौन सा है? जब रब का इश्क और प्रेम आ जाए, जो भी वक्त मिले रब से प्यार करे, उससे प्यार करने के लिए कोई घड़ी मुकर्रर नहीं। तस्बी याद करो दस मरदन, सुन्नत सील बंधान बरा। दस किस्म के प्राण हैं, पांच प्राण पांच उप प्राण, इन्हें छोड़कर रू नाम के साथ जोड़ दो। जो कामिल फकीर हैं वे अपने मुरीद यानी शिष्य को तस्बीह यानी माला नहीं देते। क्या कहते हैं कबीर साहब, माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुवा तो चहु दिश फिरे, ये तो सुमरन नाहे। इसी तरह मन और रूह को हर तरफ से खींचकर अंदर सिमरन के साथ जोड़ो, ये तस्बीह है। दिल में जानो सब फिलहाला, खिल खाना बिरादर हमू जंजाला। मीर मलक उम्रे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा। सारी दुनिया फना है, फकीर का प्यार एक रब के साथ होना चाहिए। कहते हैं सिवाय खुदा के कुल दुनिया को फना हो जाना है, फिर दुनिया से प्यार कैसा। अव्वल सिफत दूजी सबूरी, तीजे हलेमी चौथे खैरी। फिर कहते हैं शरीयत वाले पांच नमाजें पढ़ते हैं, फकीर की नमाज कौन सी है? अव्वल सिफत, मालिक का हरदम जिक्र। दूसरा, हर एक के साथ नेकी करे, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। तीसरा, हलीमी, इसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे, फकीर का काम है उसके साथ भी नेकी करे। फकीर को कोई सख्त कलाम यानी वचन कहे तो गुस्सा ना करे, फकीर का काम है कि जवाब ना दे। चौथा, खैर यानी नाम की खैरात करे, खुद नाम की कमाई करे और दूसरों को नाम जपाए।
पंजवें पंजे इकत मुकाम है। यह पंज वक्त तेरे अपर परा। इंसान के अंदर पांच शब्द हैं जिन्हें पांच कलमे कहते हैं। पहला शब्द मकामे अल्लाह से शुरू होता है और मकामे हक पहुंचकर ये पांचों कलमे एक हो जाते हैं, मगर इस नमाज को कोई कामिल फकीर ही पढ़ते हैं। सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ कूजा। फकीर को चाहिए कि जितने बद अमल यानी बुरे काम हैं उन्हें छोड़ दे। एक बार का वुजू सारी उम्र के लिए काफी है। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुर्ग बर खुरदार खरा। हर एक इंसान के अंदर अर्शे अजीम से बांग आ रही है। कहते हैं अपनी रूह को उसके साथ जोड़ ले। हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो वो मैलाना। कहते हैं फकीर को चाहिए कि हक की कमाई करे। फकीर की खुराक क्या है? हक की इबादत। हर एक इंसान के अंदर हौजे कौसर है जहां पर नहाने से पापों की मैल उतरती है। इसी को मानसरोवर कहा है, गुरु साहिबान ने अमृतसर कहा है। वो कौन सा हौजे कौसर है? वो इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। पीर पछाणे पिसती सोई, अजराइल न दोज ठरा। मुसलमानों में कहते हैं कि एक फिरका नाजियों का है, बाकी सब दोजख को जाएंगे। हर एक फिरका कहता है कि हमें बहिश्त में जाना है, बाकी दोजख में जाएंगे। जिसे कामिल पीर मिल गया उसे बहिश्त में जाना है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब? मत को भरम भूले संसार, गुर बिन कोई न उतरस पार। जिसे पूरा सतगुरु मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया। काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना। सारी दुनिया की रूहों को औरतों की मिसाल देते हैं और रब को खसम यानी मालिक की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि सुहागिन कौन है? जिसने रब के साथ विसाल कर लिया। ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। फकीरों की हदीस क्या है? नापाकी छोड़कर पाक रहना। जो रब से विसाल करके अपनी पगड़ी साबुत ले गया वो फकीर है। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते तोवे। कहते हैं कि मुसलमान इतना रहम दिल होना चाहिए जैसे कि मोम। वो भजन अभ्यास के जरिए दिल की सफाई करे। दुनिया रंग ना आवे नेड़े, जो कुसुम पाट के
पाक हरा। कहते हैं जो मुसलमान है दुनिया के रंग उसके दिल पर आने ही नहीं चाहिए। जिस तरह फूल, रेशम, घी और मृग छाला कभी अपवित्र नहीं होते। जाको मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना। दुनिया में वो मर्द है जो दुनिया को जीत कर जाए। ऐसी मेहर उस पर होती है जिस पर मालिक मेहरबान हो जाए। सोई शेख मुसायक हाजी, सो बंदा जिस नजर नरा। उसी को शेख कहेंगे, उसी को हाजी कहेंगे जिसने दुनिया में आकर मन का पर्दा खोल लिया। वही मोमिन है, उस पर मालिक को खास नजर है। कुदरती कोदर करण करीमा, सिफत मुहब्बत अथाह रहीमा। हक हुकम सच खुदाया, बूझ नानक बंद खलास तरा। अब बस मैं ज्यादा नहीं खोलता। जो मुकामे हक पर पहुंच गया और जिसकी रूह का रब के साथ विसाल हो गया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। कुदरती कोदर करण करीमा, सिफत मुहब्बत अथाह रहीमा। हक हुकम सच खुदाया, बूझ नानक बंद खलास तरा।